हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी का दिन में येस बैंक में एक बड़ा न्यूज आया है, जैसे कि मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ये बिग न्यूज है। आप लोग को मालूम है येस बैंक में अगर कोई अच्छा चीज़ हो सकता है वो है फंड रेजिंग को लेकर। वही फंड रेजिंग का न्यूज है एक, जो कि आपके सामने मैं पेश करूंगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे येस बैंक में आज 4% तक का जंप मारा है। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी करेंगे, एनालिसिस करेंगे येस बैंक को लेकर कल के लिए हम लोग क्या रणनीति बनाना है। तो फ्रेंड्स, चलती से चलते हैं हम लोग एक बार NSE में येस बैंक का कारोबार देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है ऑफसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है NSE इंडिया के ऊपर मैंने आ गया है अपना वही फेवरेट शेयर येस बैंक लिमिटेड है। आज का डेट है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है येस बैंक का आप देख सकते हो 47.40 रुपीज़ का 40 पैसे का और 75 पैसे का अप मूव के साथ, और परसेंटेज देखेंगे तो 1.5% का हम लोग आज गेन किए हैं मार्केट से। तो प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे 46.65 था, ओपनिंग हुआ था 46.80 में। कुछ इसमें जो ओपनिंग से हम लोग को थोड़ा येस बैंक में पॉजिटिवनेस आ गया था। साथ ही साथ हाई मारे थे हम लोग, आज का जो देख सकते हो आप 48.50 का लो मारा है 46.40 का। तो साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी वाइज कितना कैसा पोजीशन है येस बैंक में। तो येस बैंक में पोजीशन सिक्योरिटी वाइज देखेंगे 12 करोड़ 22 लाख का ट्रेडिंग हुआ है, उसमें 1 करोड़ 41 लाख का क्वांटिटी डिलीवरी में गया। परसेंटेज में देखेंगे तो 11.55% का डिलीवरी हुआ है। तो कल से डिलीवरी का आज थोड़ा चार्ज अच्छा हुआ है मार्केट से येस बैंक को लेकर। चलते हम लोग सीधा चलते अभी न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ अभी क्या है वो उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे अब एनालिसिस का। जैसे ये मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ ईटी न्यूज़, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का न्यूज़, और ये पूरा क्रेडिट ईटी न्यूज़ को ही रहेगा। हम लोग उनका सहारा लेके हम लोग देखेंगे आज का क्या है। तो आपको सामने मैंने अपडेट करने के लिए लेकर आ रहा हूँ जनवरी 2, 2020। आज टाइमिंग दिए है 5:30 PM को ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। और इसमें जो न्यूज आया है देखिए फ्रेंड्स, येस बैंक जम्प 4% आज पर SPGP में एक्सटेंड टर्म सीट टू द जन एंड। तो इसमें क्लियर कट ऐसा लिख रहे हैं जो जनवरी एंड तक येस बैंक में फंड रेजिंग का जो इरिन सिंह जो बीच जो है आप लोग को मालूम है SPGP ग्रुप का जो है इनका काम बातचीत चल रहा है, फाइनल हो जाएगा। जैसे कि इसको मार्केट ने उसको नेगेटिव पहले लिया था, अभी उसको पॉजिटिव लेना चालू कर रहा है इरिन सिंह को। और 30 नवंबर येस बैंक द फाइलिंग टू द डिस्क्लोज लिस्ट द पोटेंशियल इन्वेस्टर विल बी फंड फ्यूज द फंड रेजिंग को लेकर जो बात चल रहा था 30 नवंबर में ये बात चल रहा था। तो हम लोग और चलते देखते हैं और क्या है इसमें क्लियरिटी। जैसे कि आप लोग मालूम है SPGP होल्डिंग जो है वो है इरविन सिंह बीच का, उनका ही कंपनी। तो येस बैंक में फंड रेजिंग का जो आया था जनवरी तक, जो 31 दिसंबर तक वो ओपन करेंगे करके डिस्कशन करेंगे और पब्लिश करेंगे, तब तक कुछ तो नहीं हुआ था। अभी वो एक्सटेंड करके अभी वो ले रहे जनवरी एंड तक, ये बोल रहे CNBC TV18। तो ये जो फंड रेजिंग एक बार हो ही जाता है तो उसके बाद कुछ टेंशन नहीं रहेगा येस बैंक को। ये फंड रेजिंग का जैसे मैटर मार्केट में चर्चा हो रहा था, इसलिए मार्केट आज 4% तक अप मूव दिया था ये न्यूज़ को लेकर। तो आप लोग के सामने मैं और भी बताना चाहूँगा, जो 30 नवंबर तक ये फाइलिंग होने वाला था, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर इरविन सिंह का जो ये मैटर को लेकर अभी येस बैंक ने उसको अंडर डिस्कशन करके जो बोल दिए थे, वही आज फिर निकल के आ रहा है इरविन सिंह बीच SPGP होल्डिंग एज लाइक इन्वेस्टर हु विल टेक वेयर ऑन गोइंग एक्सपेक्टेड अंडर शॉर्टली। इसको शॉर्टली करने वाले हैं जैसा लग रहा है इनका बातों से। तो जैसे कि SPGP होल्डिंग जो है आपको मालूम है हांगकॉन्ग का ये पार्टी है, ये कितना करने वाले ये फंड रेजिंग 1.2 बिलियन फ्रेंड्स। अगर येस बैंक में आ गया तो आप सोच सकते हो येस बैंक को 60% का जो पैसे का जो गरज है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो 1.2 बिलियन मीन्स कि अपना इंडियन रुपीस में हो जाता है 8,600 करोड़ रुपीस फ्रेंड्स। ये अगर एक बार आ गया येस बैंक में, दिक्कत जो है
फंड रेजिंग को लेकर वो मोस्टली 70% तो कम हो जाएगा। साथ ही साथ और आप लोगों को मालूम है, जो एस बी आई का CEO जो बोले थे साइटेक इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो 500 मिलियन का जो उनका फंड आ रहा था, उनको भी वो ऑलरेडी तो कम्प्लीटेड है लेकिन पब्लिश नहीं किए हैं मिस्टर गिल ने, ये भी लगभग जनवरी तक कम्प्लीट हो जाएगा करके ऐसा लग रहा है। तो यही न्यूज़ को चलते हुए येस बैंक में आज 4% का जम मारा था, जैसे कि आप लोग को मालूम है। जो सुबह का टाइम से ही ये येस बैंक में पॉजिटिवनेस आया था, तो ये न्यूज़ का कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा नॉलेज था, इसका वजह से येस बैंक में आज जम देखने को मिला हमको। चलते हम लोग जाते आज का अपना जो चार्ट में देखेंगे तो येस बैंक वन डे का मैं चार्ट लगाया, येस बैंक का चार्ट लगाया फ्रेंड्स, इसमें क्लियर कट में, जैसे कि आप लोग को हमेशा तरह बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल क्या बोलते मत भूलिएगा, ये जो अपना जो ये जो कैंडल है, वो जो एंगल फिन बुलिश एंगल फिन कैंडल, ये अभी तक भी अपना जिंदा है, क्योंकि सबका सब उसका ही अंडर ही कामकाज हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब तक ये 45 को नीचे नहीं आता है, हम लोग इसमें से सेलिंग कॉल तो बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सेलिंग तो नहीं करना है, क्योंकि 45 जो हम मेरा लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था, 45 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के अभी भी आ रहा है और है, और साथ साथ उसके बाद जो और एक लेवल है वो 40 का, ये तो एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। तो जब तक इसका ऊपर येस बैंक है तब तक आप पॉजिटिव रहिए, कुछ भी इशू नहीं है। और जो लोग 30 से लेकर 60 का अंदर बाइंग है, अगर एक बार ये 50 को टच करता है तो आप लोग देखेंगे तो खूब जल्द 66 का लेवल, इसमें खूब जल्द मीन्स 50 का होने के बाद 57 तो आएगा ही, और उसके बाद 66 लेवल आएगा, जैसे कि HDFC बैंक का जो म्यूचुअल फंड ने जैसे बोला था। अभी RSI देखे ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, RSI में कुछ इशू नहीं है, जैसे MACD में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में ये कैंडल जैसे बनता है बहुत बड़ा, तभी ये बुलिश पैटर्न बन जाता है। MACD में भी अभी स्ट्रांग है, RSI जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, 50 अगर एक बार RSI हो जाता है, उसका ऊपर रहता है RSI, तभी हम लोग बहुत स्ट्रांगनेस देखेंगे इसमें। तो हम लोग का जो एंगल फिर पैटर्न का अभी तक भी हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे, उसके अंदर काम कर रहे, आज भी हम लोग अच्छा कमाई किए हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो हम लोग कल के लिए क्या करेंगे येस बैंक में हम लोग कल के लिए करेंगे 46, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, 46 एक मिनट फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि हम लोग कल के लिए हमारा जो रणनीति रहेगा, आज का जो डे लो मैं एक बार आपको इधर लेकर आता हूँ, जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक क्या लगाना है हमको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम लोग क्या कौन सा साइड में बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आज का हाई क्या है 48.50, आज का लो क्या है 46.40, और क्लोजिंग हमारा 47.40 का। तो हम लोग कल के लिए कैसा काम करेंगे, हम लोग एक बार मार्केट को छोड़ देंगे सुबह सुबह 9:30 के बाद हम लोग कोई भी स्टेप उठाएंगे। अगर ये हाई कटता है, डे हाई अगर कट जाता है, हम लोग तुरंत बाइंग का सेट लेंगे और टारगेट रखेंगे हम लोग 50 का। नहीं तो अगर कोई क्विकली लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा 48 अगर हम लोग आ जाता है तो हम लोग टारगेट लीजिए 48, और उसका आपका फर्स्ट टारगेट होगा 49, सेकेंड टारगेट होगा 50 का, और 50 क्रॉस करता है तो हम लोग 53 का भी लेवल देख सकते हैं। सेलिंग साइड में मैं अभी कुछ देने वाला नहीं फ्रेंड, जब तक हम लोग 45 का ऊपर है तब तक हम लोग, मैं 45 को क्रॉस करके नीचे आएगा तो मैं आपको बोलूँगा 40 तक आप वेट कर सकते हो। तब तक हम लोग 45 को टच ही नहीं करते, हम लोग अभी भी येस बैंक में हम लोग बुलिशनेस है, और ये बुलिशनेस हम ही रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं यही बोलूँगा अभी फ्रेंड्स, आप लोग बिंदास रहिए, येस बैंक जनवरी तक आप लोग को कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनाएगा, और जैसे कि जनवरी का थर्ड वीक तक
जनवरी थर्ड वीक तक 20 जनवरी का आसपास मुझे लग रहा है येस बैंक में क्वार्टर थ्री रिजल्ट का आ सकता है। ये कुछ ऑफिशियली नहीं है, मैं अनुमान कर रहा हूँ। क्वार्टर थ्री रिजल्ट और ये जो 1.2 बिलियन का जो फंड रेजिंग, ये दोनों एक साथ में बम छोड़ेंगे और येस बैंक को लेके जाएंगे 67 का आंकड़ा तक, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर 67 हम लोग कंप्लीट करते तो 78 तो नेक्स्ट आ ही जाएगा एक दिन में, तो येस बैंक के लिए बड़ी बात नहीं। एक दिन में 40-40, 30-30 पॉइंट का जम्प दिखाता है। और आज मेरे को काफ़ी सारा क्वेश्चन भी आया था, सर FNO में हम लोग काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि FNO में से आज उसको बाहर गया कर गया था येस बैंक को, इसलिए आप लोग FNO से काम नहीं कर पा रहे थे। ये था एक छोटा सा व्यू मेरा, और ये मेरे को ऐसा बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरा व्यू आप लोग को अच्छा लगता है तो एक बार मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे कि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा येस बैंक को लेकर अपडेट। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।